जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलिट यानी कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम यदि आप दिए हैं तो इसका रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया है और आप पास हैं या फेल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। उसके पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। मोबाइल के माध्यम से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, आप भी मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ गूगल में लिख के सर्च करेंगे CCC। देखिए मैं यहाँ पे सर्च किया हुआ हूँ, CCC लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर जो पहला वेबसाइट आएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम नीलिट, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी CCC का। अब आपको देखिए करना क्या है, यहाँ से एक देखिए यहाँ पे कटम रेड कलर में दिख रहा है, इसको यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ से स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड भी यहाँ से कर सकते हैं, मगर हमको देखना है रिजल्ट। तो यहाँ पर व्यू रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो व्यू रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर नीलिट के माध्यम से आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ओ लेवल का दिए हैं या ए लेवल का दिए हैं या तो आप BCC का दिए हैं, तो इन सब का भी रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको CCC का करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तीन माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, सर्च बाई रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट नेम, सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको सर्च बाय रोल नंबर से करके दिखाता हूँ। एग्जामिनेशन ईयर यहाँ पे सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी सन में आप एग्ज़ाम दिए हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसा आप 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं इसका, तो यहाँ पर इसको चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे, जो आपका सर्किल था, किस सर्किल का एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे फरवरी का था या आपका जनवरी में दिए थे, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो वर्तमान में आपको यहाँ पे फरवरी शो करेगा, तो फरवरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर रोल नंबर में यहाँ पे रोल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे 83 6176। कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए इनवैलिड एग्जाम नेम रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपको अब सर्च बाय कैंडिडेट नेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम सर्किल है उसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट यहाँ पे खुल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट इन ग्रेड, यहाँ पे एफ फेल दिखा रहा है, इसका मतलब जो कैंडिडेट का मैं देखा हूँ वो फेल हैं इस एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी अपना CCC का रिजल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों CCC के बारे में और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका न्यू में अप्लाई कैसे करना है इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख के CCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।